अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज़ विद नाजुमी करती हूँ आप लोग खैर से होंगे अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खैरियत से रखे और ख़ुश और खुर्म रखे व्यूअर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खुदा के मेट लिप ग्लॉस ठीक है मैं इसकी शेड दिखाती हूँ आप लोगों को ये मुझे बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में मिल गए थे तकरीबन इसकी प्राइस है वन फिफ्टी रुपीज़ ठीक है और आप शेड देख सकते हैं इसकी पैकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है तो मैं निकाल निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ ठीक है ये आप शेड देख सकते हैं इसका ब्राउनिश टाइप का इसका शेड है ठीक है नंबर सेकंड पे ये तकरीबन टी पिंक टाइप का शेड है इसका लाइट टी पिंक है ये और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ना इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है आता है अक्सर मैं इसको पार्टी मेकअप में यूज़ करती हूँ आप लोग कहेंगे कि मैंने इतने सारे क्यों ले लेंगे तो मैंने पॉलर के ले लिए आएंगे अगर आप लोग भी लेना चाहे तो ये जो है ना होल मार्केट पर आराम से मिल जाती है ठीक है ये तकरीबन महरूनिश टाइप का इसका शेड हैगा ये देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आएगा थोड़ा इंग्लिश टाइप का आएगा ये देखिए और ये भी बहुत ही ख़ूबसूरत लगता हैगा आमतौर पर घर में भी अगर यूज़ करें ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता हैगा अच्छा ये इसका मरजेंडा शेड है लाइट मरजेंडा और इसमें डार्क मरजेंडा भी हैगा ये देखिए जी ये भी बहुत ही ख़ूबसूरत लगता है ये ब्राइडल पे भी बहुत ज़बरदस्त लगता है अगर लगाए तो ये देखिए ये भी थोड़ा सा जो है ना पीच टाइप का ही शेड है का पहले जैसे लगा के दिखाया था मैंने आप लोगों को उससे लेकिन थोड़ा सा डार्क है अगर आप लोग इस शेड को देखें ना तो ये इससे थोड़ा सा डार्क है ठीक है वो इसका लाइट था और ये थोड़ा डार्क है जी वी अब ये मैं दोबारा आपको शेड दिखा रही हूँ अब आप लोगों को ये दोनों शेड सेम लग रहे होंगे कैमरे में थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि सेम है लेकिन सेम बिल्कुल भी नहीं है ठीक है शेड्स में अच्छा खासा फ़र्क हैगा ये लाइट है और ये इसका डार्क मरजेंडा कलर है और मुझे तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन कैमरे में पता नहीं रिजल्ट आप लोगों को कैसे लग रहा हो ठीक है ये इसका दोबारा आ गया थोड़ा ब्राउनिश टाइप का शेड पहले जो दिखाया था वो लाइट में दिखाया था अब ये देखिए इसका थोड़ा कॉफी टाइप का ना थोड़ा डार्क में आएगा ब्राउनिश टाइप का आएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी देर तक चल जाते हैं ठीक है तो बहुत देर तक इसका जो है ना वो है ये इसका डार्क जैसे कलेजी टाइप का केल ये देख सकते आप पर्पल डार्क पर्पल जिस तरह से केल ना उस तरह का शेड आएगा और ये दोबारा थोड़ा सा इसका मरूनिश पे आ गया ये देखिए तो इसके सारे शेड बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मुनासिब प्राइस में हेंगे अगर आप लोग जो है ना चाहते हैं कि मैं इसके जो है ना लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जो है ना कमेंट्स करिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ज़रूर इसकी जो है ना लिंक डाल दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है मैंने होल मार्केट से वैसे लिए मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को मैंने बोल्टन मार्केट से इसको ख़रीदा है ठीक है अगर आप लोग लेना चाहें तो काफ़ी लोगों को कराची में बोल्टन मार्केट होल की मशहूर मार्केट है मैंने इसको वहाँ से परचेज़ किया है तो दीजिए इजाज़त दोबारा मिलेंगी एक और वीडियो के साथ असल Alecun